نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله محترم ومكرم سامعين الكرام عزت مآب خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کی دو مبارک اور مقدس آیتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چونکہ آج کی اس بابرکت محفل میں ہمیں دو عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے گزشتہ شب چونکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین اشجع الاشجعین اصدق الصادقین یار غار مصطفیٰ یار مزار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ذکر کرنا تھا لیکن چونکہ گزشتہ سب محفل نہ ہو سکی اس لیے آج کی اس محفل پاک میں ہم سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی نذران عقیدت پیش کریں گے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اپنی محبتوں اور اپنے عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے اس ذکر کو ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے
कि उसने अपने फजल, अपने कर्म और अपने एहसान से हमें अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमाई। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। अल्लाह ताला की महबूब बंदों की सच्ची मोहब्बत से बढ़ करके दुनिया में कोई नेमत है ही नहीं। ये बहुत अजीम नेमत है और ये अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे अता फरमाता है। और हम तो खुश नसीब हैं और अपनी खुश नसीबी पे हम जितना नाज करें कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सारे नबियों की मोहब्बत से माला माल फरमाया है। और अंबिया के सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, अइमा मुज्तहिदीन, अहले बैत अतहार, चार यार, सुलहा, औलिया, जितने भी रब के महबूब और प्यारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन सब से प्यार है। और अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। ये सआदतमंदी और ये खुशबख्ती सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के हिस्से में आई है कि ये अल्लाह के सारे महबूब बंदों से सच्ची उल्फत और मोहब्बत रखते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में, शहदाए करबला के सदके में, सैयद शहदा इमाम आली मकाम के सदके में अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। यही मोहब्बत है जिसका तकाजा है कि हम जिन जिन से मोहब्बत करते हैं उनका जिक्र भी करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक मकूला है, मन अहब शैअन फअक्सर ज़िक्रहु। जो आदमी जिस चीज से मोहब्बत करता है तो उसका जिक्र भी ज्यादा करता है। यानी चाहे अन चाहे जिस चीज से मोहब्बत है उसका जिक्र वो करेगा ही। जिसने जिस चीज से मोहब्बत की तो वो उस चीज का जिक्र, अब ये यहाँ तो मुतलक बात है, अब मोहब्बत चाहे जिस चीज से हो, चाहे उस चीज का ताल्लुक दुनिया से हो, चाहे दीन से हो, लेकिन मोहब्बत जिस चीज से होगी वो जहां भी बैठेगा वहां वो तज़करा उसी का करेगा। तो हमें अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत है, इसलिए हम अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र कसरत के साथ करते हैं। हमें चार यार से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत है। होना तो ये चाहिए, जो कि जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि हम चार यार के जो खास दिन हैं उन दिनों में उनके जिक्र की महफिल सजाएं, उनका तज़करा करें, उनकी बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें, क्योंकि मोहब्बत है और उस मोहब्बत का तकाजा है कि हम ऐसा करें। लेकिन ये हमारी थोड़ी सी गफलत है कि हम उन दिनों को भूल बैठे। खास तौर पर बहुत कम जगहों पे सैयदना सिद्दीक अकबर का दिन मनाया जाता है, बहुत कम। और इसी तरह सैयदना उस्मान गनी, फारूक आजम, मौला अली मुश्किल कुशा, तो हम उनके वफात के या उनकी शहादत के दिन जो साल भर में आते हैं हम उनके लिए एहतमाम नहीं करते। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, इश्क वाले मोहब्बत वाले बड़ी शान से उनका वो दिन मनाते हैं और फ्यूज़ बरकात हासिल करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम उनकी उन तारीखों को याद भी रखें और जब वो तारीख आए तो इसी तरह महफिल सजाएं और एहतमाम के साथ उनका जिक्र करके और उनकी बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अकीदतों का खराज पेश करें। ये बहुत ही ज़रूरी अमर है। लेकिन हमसे ऐसा जब गफलत की वजह से कम हो रहा है तो ये सैयद शहदा इमाम आली मकाम की
मुबारक और मुकद्दस ज़ात का हम पे करम है कि साल में तो उनके दिन हम नहीं मना पाते, लेकिन जब उनके जिक्र का ये यानी मौका आता है तो वो खुश भी इसी में है कि पहले उनका जिक्र किया जाए, चार यार का जिक्र किया जाए, सहाबा का जिक्र किया जाए जिन्होंने इस्लाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। अब जाहिर बात है दीन जैसी कोई अजीम दौलत नहीं, और ये अजीम दौलत जो हम तक पहुंची है ये सहाबे कराम की कुर्बानियों का सदका है। तो ये नाइंसाफी होगी कि ऐसे अजीम मोहसिन जिन्होंने वतन कुर्बान किया, माल कुर्बान किया, औलाद को कुर्बान किया, जान कुर्बान की, और इसी दीन के लिए और इस्लाम के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी अजियतें और तकलीफें बर्दाश्त की कि कसम रब की अगर वो अजियतें, वो तकलीफें, वो आजमाइशें हिमालय पहाड़ पे भी पड़ती तो वो भी अपनी जगह पे हट जाता, लेकिन सहाबा नहीं हटे, सिद्दीक अकबर नहीं हटे, फारूक आजम न हटे, बिलाल हबशी न हटे, सुहेब रूमी न हटे। तो वो उनका एहसान है कि उन्होंने अपने ऊपर इतनी अजियतें तकलीफें बर्दाश्त करके और शजरे इस्लाम को ऐसा हरा भरा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों की तादाद में मुसलमान उसी दरख्त के साए में अमन और चैन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कितना बड़ा एहसान है उन सहाबा का। मैं आप हजरात से एक दरख्वास्त करता हूं कि आप भी जो चीज सुने उस पर जरा सा गौर भी फरमाते चले। सैयदना सिद्दीक के अकबर की जात, जिनके मुतालिक हमारा ईमान और अकीदा ये है कि अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, ये उनकी अजमत का वो आफताब है और वो उनकी शान है जो सिवाय सिद्दीक अकबर के किसी को नसीब नहीं हुई। यानी नबियों के बाद, अब जाहिर बात है इंसानों में सबसे ऊंचा दर्जा नबियों का है और सारे नबियों से भी ऊंचा दर्जा मेरे और आपके आका का है। तो ये सारे नबी जो हैं, इन नबियों के बाद सारी दुनिया इंसानियत में, यानी अंबिया की मुकद्दस जमात एक तरफ और फिर सारी उम्मतें और सारी उम्मतों के जितने भी फजीलत वाले, शान वाले, मर्तबे मकान वाले लोग हैं वो सब एक तरफ। अब अंदाजा करें है कोई जो इस चीज को कमा को गिनवा सके कि उम्मत में कैसे कैसे फजीलत वाले, शान वाले, इज्जत वाले, अजमत वाले, तकवा वाले, परहेजगारी वाले, मुकम्मल ईमान वाले, जिहाद वाले, जिद्दोजहद वाले, अनगिनत बेशुमार उम्मत में ऐसे अफराद जो हैं वो गुजरे हैं कि जो बड़ी शान रखते थे। यानी सारी उम्मतें, सारी उम्मतों के वो शान वाले अफराद, मर्तबे मकाम वाले अफराद, वो सब एक तरफ। नबियों के बाद इन सारी उम्मतों के सारे इंसानों से जो अफजल जात है वो सैयदना सिद्दीक अकबर की जात। यानी अफदलुल बशर है, बशर बशर माना इंसान, यानी सारे इंसानों में अफजल। लेकिन अफजल हैं तो किस तरह? बादल अंबिया, नबियों के बाद, क्योंकि नबी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। तो नबियों के बाद सारे इंसानों से अफजल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। हम जुमे के दिन जब खुतबा सुनते हैं और उन खुतबे में जब चार यार का जिक्र आता है और चार यार में पहले जब यार गार का जिक्र आता है तो वहां उनके जो अलकाबात और शानें जो जिक्र की गई हैं बड़े इख्तसार से, उसमें अव्वल में ये शान जिक्र की गई अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक। ये लफ्ज़ बितहकीक जो है ये काबिले गौर है। यानी बितहकीक से मैं अर्ज कर दूं मुराद ये है कि इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं, ईमान वालों में से किसी को इख्तलाफ नहीं, न सहाबा को, न ताबईन को,
न तबा ताबईन को, न अइमा मुज्तहिदीन को, न उलमाए रासिखीन को, उम्मत के जितने भी अफराद हैं किसी को इसमें इख्तलाफ नहीं है और ये बात बिल्कुल मुतहक्क है, साबित शुदा है कि नबियों के बाद सारे इंसानों से अफजल अबू बकर हैं, सारे इंसानों से अफजल अबू बकर हैं। अब ये वो मजमून है जो हकीकत में तफसील तलब है, लेकिन मैं उस तफसील में न जा करके एक बात अर्ज कर रहा हूं कि सैयदना सिद्दीक अकबर को ये जो फजीलत मिली सबसे अफजल, हजरत उमर से अफजल, उस्मान गनी से अफजल, सारे सहाबा से अफजल, उम्मत के तमाम औलिया सुलहा यानी सारे इंसानों से अफजल फजीलत वाले, ये शान जो उन्हें मिली सबब क्या, ये है सोचने की बात। सिद्दीक अकबर को ये जो मकाम मिला रब की बारगाह में, रब की बारगाह में ये मकाम मिला कि रब के दरबार में नबियों के बाद अगर इंसानों में से किसी का दर्जा मकाम है तो सैयदना सिद्दीक अकबर का है, इतनी शान के मालिक हैं सैयदना सिद्दीक अकबर। तो अब ये जो उन्हें मकाम मिला उसका सबब क्या, उसकी वजह होगी, सबब होगा, सबब क्या। तो अगर कोई ये कहे कि सबब नमाज है तो क्या दूसरे सहाबा नमाज नहीं पढ़ते थे? सहाबे कराम जो हैं उसमें है कोई ऐसा जो नमाज ना पढ़े, बेनमाजी हो? अगर कोई ये कहे कि ये इल्म की वजह से, रोजों की वजह से, जिहाद की वजह से, माल खर्च करने की वजह से, इस्लाम के लिए तकलीफें बर्दाश्त करने की वजह से, हो सकता है इस तरह के जवाबात किसी के जहन में आए। ये जो अफजल बने हैं तो इन वजूहात और इन असबाब से, तो अर्ज कर दूं ये सबब नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऐसे ऐसे जलीलुल कद्र सहाबा मौजूद हैं कि जिनकी इबादतें, जिनकी रियाजतें, जिनके मुजाहिदात, कुर्बानियां बेमिसाल हैं। तो इसमें तो सहाबा कराम में कोई एक दूसरे से पीछे रहने वाला नहीं था। सिद्दीक अकबर को ये जो मकाम मिला उसका हदीस पाक में भी जिक्र है, और वो जिक्र जो है उससे सबूत ये मिलता है कि उन्हें ये जो फजीलत मिली उसका सबब सिर्फ एक था, और सबब था इश्के मुस्तफा, यानी इश्के मुस्तफा, इश्क सबको था, सारे आशिक थे, सारे दीवाने थे, लाजवाब दीवाने थे, बेमिसाल हुजूर के आशिक थे, ऐसे आशिक थे कि सहाबी जान से भी ज्यादा हुजूर को प्यारा समझते थे, जान से भी ज्यादा हुजूर को प्यारा समझते थे। आशिक सब थे, मुहिब सब थे, लेकिन इश्क में जो मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर को मिला वो किसी को नहीं मिला। वो ऐसे आशिक सादिक थे, ऐसे आशिक सादिक थे कि हुजूर से अलग हो करके एक पल के लिए भी उन्हें चैन नहीं आता था, सुकून नहीं आता था। यानी अगर वो हुजूर से अलग हो करके अपने घर भी गए हैं तो वहां चैन से सोए नहीं है, बल्कि रात भर तड़पते रहते थे कि कब फिर वक्त हो और मैं जा करके मेरे आका के चेहरे का दीदार करूं, हुजूर को देखूं, हुजूर से मिलूं, ये वक्त कब आए। या मैं जिमनन एक बात अर्ज कर देता हूं, जिमनन सैयदना सिद्दीक अकबर के घर के करीब से किसी गुजरने वाले ने यह ख्याल जाहिर किया था, घर सिद्दीक अकबर का है, करीब से कोई गुजरा और उसने गुजरने वाले ने यह ख्याल जाहिर किया कि सिद्दीक अकबर के घर में गोश्त का कबाब बन रहा था और मुझे उस कबाब की बू आई, यानी गोश्त को कबाब बनाया जा रहा था और मुझे उसकी बू आई। अब जाहिर बात है घर में कबाब बने, गली से गुजरने वाले को खुशबू आए, ये बात समझ में आ रही है,
लेकिन हकीकत में वो गोश्त जो है उसका कबाब नहीं था, बल्कि सिद्दीक अकबर के दिल था, कल्बे सिद्दीक अकबर था, जो हकीकत में इश्क मुस्तफा की आग में जल रहा था, और उससे उठने वाली बू से लोग समझ रहे थे कि गोश्त का कबाब, ये कबाब आहू नहीं था, ये कबाब बुज नहीं था, ये बकरी हिरन के गोश्त का कबाब नहीं था, ये उस आशिक के उस इश्क से और उस दिल की तड़प की खुशबू थी जो गलियों को भी महका रही थी। और आज भी और कयामत की सुबह तक हुजूर के जितने आशिक हैं वो आशिक सब के सब मुक्तदी हैं, और इश्क में उन सब का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। यानी ऐसा तो न कोई आशिक हुआ और न कोई हो सकता है। आला हजरत अजीमुल बरकत से ये फतावा रिजविया में ये बात बिल्कुल लिखी हुई है। आला हजरत ने किसी से कहा, आला हजरत से किसी ने कहा कि आप सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में सिर्फ एक जुमले में ऐसी शान बयान करें कि सारी शानें आ जाएं। एक ही वर्ड, एक जुमला हो और वो ऐसा जामे हो कि जिसमें सिद्दीक अकबर की सारी शानें आ जाएं। तो उसके जवाब में आपने जो जुमला लिखा वो ये था कि जैसे पूरी कायनात में हुजूर जैसा कोई पीर नहीं, वैसे पूरी कायनात में अबू बकर जैसा कोई मुरीद नहीं। यानी बेमिसाल है, जैसे हुजूर की कोई मिसाल नहीं है नबियों में, वैसे इंसानों में अबू बकर सिद्दीक की कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। और ये बात तो आप और हम बारहा सुन चुके हैं कि अबू बकर सिद्दीक की साथ वो जात है कि मर्दों में सबसे पहले कलमा अबू बकर ने पढ़ा, मर्दों में। अब देखिए ये तारीख की बात है, मैं एक बात अर्ज कर दूं, आज कोई रुकावट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, न कलमा पढ़ने पे पाबंदी है, न नमाज पढ़ने पे पाबंदी है, न कुरान पढ़ने पे पाबंदी है, न जिक्र करने पे पाबंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई पाबंदी नहीं है। कोई हमसे ये नहीं कहता कि नमाज मत पढ़ो, कुरान मत पढ़ो, कलमा मत पढ़ो, ईमान ले आओ, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हुजूर जब तशरीफ लाए और आपने जब दावत हक दी और आपने फरमाया कुलू ला इलाह इल्लल्लाह तुफ्लिहू, उस वक्त आप और हम जानते हैं कि खुद बैतुल्लाह शरीफ में 360 माबूदाने बातिल रखे थे जिनकी पूजा होती थी, और वो उनके रगो पाए में उसकी मोहब्बत रच बस चुकी थी। ये जुमला गौर से सुने, यानी वो जो उनके अपने हाथों से बनाए हुए उनके माबूद थे, उनकी मोहब्बत उन लोगों के दिलों में, उनके कुलूब में रस बच, यानी ऐसी रच बस चुकी थी कि वो उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ये गवारा नहीं करते थे कि उनकी कोई बुराई करे। ऐसे माहौल में हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही जात है और वो अल्लाह की जात है, और तुम ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की, माबूद सिर्फ अल्लाह है, बाकी कोई माबूद नहीं, और ये कहो कामयाब हो जाओगे। आपने जब ये ऐलान फरमाया तो आप और हम जानते हैं कि उस वक्त आगे बढ़ करके किसी ने उसे कबूल नहीं किया, बल्कि तलवारें निकली, तीर और भाले निकले, और सारा मक्का मुकर्रमा जो है उसके छोटे बड़े मर्द औरतें हुजूर के दुश्मन बन गए, और वो ये चाहते थे कि ये जो शमा आपने जलाई है इसे बुझा दें, लेकिन साहब बुझाना उनके बस में नहीं। अब वो तो तलवारें लेके खड़े थे और उनका ऐलान ये था कि जो कलमा पढ़ेगा उसे कत्ल कर देंगे, उसे सताएंगे, उसे तकलीफें देंगे, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये बातें मालूम तब होगी जब अल्लाह हमें तौफीक दे
और इस्लाम की सीरत और मुस्तफा की सीरत, सहाबा की सीरत पढ़ें, तब पता चले कि वो दौर कैसा था और उसमें जो कलमा पढ़ता था उसके साथ बर्ताव कैसा किया जाता था। अब दास्तान पढ़ें सोहेब रूमी की, बिलाल हबशी की, हजरत अम्मार की, हजरत सुमैया की। ये वो मुकद्दस खातून हैं कि जिनको इस्लाम की तारीख में पहले मुस्तफा पे कदमों पे अपनी जान निछावर करने और शहादत का जाम पीने का दर्जा हासिल हुआ। औरत बड़ी कमजोर होती है, औरत को शीशे से ताबीर किया जाता है, लेकिन कसम रब की हजरत सुमैया ने इंसानों पर, पूरी दुनिया पर ये वाजे और साबित कर दिया कि जो जाम मैंने मोहब्बत का पिया है उसे कोई भी मुझसे अलग कर ही नहीं सकता। कुर्बान और शहीद हुई, लेकिन दावा यही रहा कि जिस्म से खून का एक एक कतरा तो जुदा कर सकते हो, लेकिन दिल से ये कलमा जुदा कर नहीं सकते। अब आप अंदाजा फरमाएं कैसी कैसी अजियतें दी जा रही थी जो कलमा पढ़ता था। ऐसे वक्त में आगे बढ़ के कलमा पढ़ना कोई आसान है? कोई आसान काम है? तो ये वो दौर था, उस दौर में जिन्होंने आगे बढ़ के कलमा पढ़ा, सुभान अल्लाह, यही वो बुनियाद बने इस दीन की तरक्की के लिए। और फिर उसी बुनियाद पर ये इस्लाम का दरख्त इतना बड़ा फूला फला, क्या चार दांगे आलम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं। क्या कुछ न किया गया था उन दीवानों के साथ। तो सबसे पहले मर्दों में कलमा सैयदना सिद्दीक अकबर ने पढ़ा था। अब ये कलमा पढ़ा और आपने सबसे पहले यानी ईमान कबूल किया, इसके मुतालिक जो वाकयात हैं बड़े मशहूर हैं, और वो वाकयात इतने तवील हैं कि अगर एक एक वाकया इस तरह तफसील से बयान किया जाए तो घंटों नहीं बल्कि दिनों की दरकार है। उनके इस्लाम लाने के वाकये जो हैं कि भाई सिद्दीक अकबर ने कलमा जो पढ़ा मर्दों में सबसे पहले, तो उस कलमा पढ़ने का सबब क्या बना, और वो कलमा पढ़ने में सबकत ले गए, वो सबसे पहले इस शरफ से शरफ याब हुए कि सबसे पहले हुजूर पर कलमा पढ़ा। ये कोई मामूली बात है? जबरदस्त ये वो काम है जो सैयदना सिद्दीक अकबर ने करके दिखाया। और सिर्फ कलमा पढ़ के, फिर ये नहीं कि घर में छुप के बैठ रहे, कलमा पढ़ के तनहा मैदान में आए, तनहा मैदान में आए। अब सीरत उठा करके देखें, मुशरिकी ने मक्का जब हुजूर को तकलीफ देते थे तो हुजूर पर सारे मक्के के रोसा टूट पड़ते थे, और उनके बीच में तन्हा अबू बकर घुस करके और सबको मुस्तफा से अलग करके फिर वो जो चोटें आती वो अपने पे ऊपर लेते और चाहते कि मेरे महबूब को कोई तकलीफ न पहुंचे। सारा शहर मक्का एक तरफ है और तन्हा मुस्तफा का दीवाना अबू बकर एक तरफ है। कितना मुश्किल वक्त था। उस वक्त में भी सिद्दीक अकबर ने वो नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं कि तारीख के औराक पर वो आज भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे आसमान पे 14वीं का चांद चमक रहा है। एक बात मैं अर्ज करूं, किसी की तारीफ मैं करूं, किसी की तारीफ मुझसे भी बड़ा कोई आलिम करे, किसी की तारीफ आप करें, किसी की तारीफ इलाके का बहुत जबरदस्त मुफ्ती करे, किसी की तारीफ वजीर आजम करे, सदर जमहूरिया करे, और किसी की तारीफ पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में माना हुआ कोई ऐसा जी शूर और अहले इल्म कोई करे, मुहक्किक करे, कोई रिसर्च करने वाला करे, इंसान बड़े से बड़ा किसी की तारीफ करे, तो बड़े की तारीफ से लोग समझते हैं कि जिसकी तारीफ की जा रही है वो भी बड़ा है। अंदाजा करें दोस्त, सहाबा वो हैं और सहाबा में भी चार यार वो हैं कुरान में जिनकी तारीफ रब ने की है। हम इनकी तारीफ कर रहे हैं और लोग इस पे कहेंगे ये क्या हो रहा है, हम तो सुन्नत इलाहिया और सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं। चार यार की तारीफ, ये सुन्नत इलाहिया है, सुन्नत मुस्तफा है। चार यार का जिक्र तौरात में भी है, जबूर में भी है, इंजील में भी है, और कुरान में तो जा बजा है जिक्र चार यार का। जो हम चार यार का जिक्र करते हैं तो जिक्र करने वाले कहते हैं आयत सुनो,
और फिर सामईन वो आयत सुनते हैं और फिर वो बयान करने वाला कहता है ये आयत उतरी इस यार की शान में, कहते हैं ये आयत उतरी अबू बकर की शान में, ये आयत उतरी हजरत उमर की शान में, ये आयत उतरी हजरत उस्मान की शान में, ये आयत उतरी मौला अली की शान में, ये सारी आयतें उतरी सहाबा कराम की शान में। ये इंसान खाक का पुतला, लेकिन जब हुजूर के दामन से वाबस्ता हुआ तो रिफातें और अजमतें वो मिली कि अर्श से उनके बारे में उनकी शान में आयतें उतर रही हैं और अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उनकी शान खुद रब बयान कर रहा है। अब ये जो चार यार हैं रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, पहले सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, अब सिद्दीक अकबर की शान में जो बेशुमार आयतें उतरी हैं, यानी कमोबेश 12 आयतें तो ऐसी हैं कि जो हर बयान करने वाला जो है ना वो बयान करता ही है, हर बयान करने वाला उसके पास इतना ही इल्म होता है, वो ये कहता है 8 आयतें कोई 12 भाई किसी के एक बंदे के मुतालिक अल्लाह ताला 8 आयतें उतार दे अपने कुरान में, वो बंदा कितना अजीम होगा, कितना अजीम होगा, कितनी शान वाला होगा। तो चार यार का जिक्र जो है अगली किताबों में भी है और कुरान मजीद में भी कई आयतें हैं जो इन चार यार की शान में रब ने नाजिल फरमाई है, और फिर उनकी तफसीरों में मुफस्सरीन ने कराम ने तो दरिया बहा दिए। जब उनकी तफसीरें की हैं तो कसम रब की ऐसे ऐसे निकात और ऐसी ऐसी शाने बयान की हैं कि एक एक आयत में अल्लाह के महबूब के उस दीवाने की कई कई शाने जो हैं वो इसी एक आयत में जिक्र की गई हैं, उसी एक आयत में। मैं आप चाहें तो मैं एक मिसाल देता चलूं, मिसाल देता चलूं, ये आयत मुकद्दसा وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى। सारे सहाबा और उसके बाद आने वाले सारे मुफस्सरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये आयत उतरी सैयदना सिद्दीक अकबर की शान में। अच्छा शान में तो उतरी, लेकिन शान में उतरने का अंदाज तो देखें, सिद्दीक अकबर ने कोई काम ऐसा किया, कोई अमल ऐसा किया कि जब उन्होंने वो काम किया तो मक्कतुल मुकरमा में दुश्मनान इस्लाम जो थे उन्होंने उस पे सवालात शुरू कर दिए, ताना जनी शुरू कर दी, और जब उन्होंने उस पे ताना जनी सवालात शुरू किए तो जाहिर बात है सवाल अबू बकर पे था, जवाब मुस्तफा देते तो दे सकते थे, लेकिन रब ने फरमाया महबूब चुप रह, यारे गार है, इसकी जात पे सवाल हुआ है, सवाल अबू बकर पे है, जवाब अबू बकर का रब दे रहा है। और ये आयत हकीकत में उनके उस एतराज और उनके सवाल के जवाब में उतरी। अब वाकया तो मैं अर्ज नहीं करूंगा, इशारा करता चलूं, वाकया सबको मालूम है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल को खरीदा और बड़ी जबरदस्त कीमत दे के खरीदा, और जब खरीदने का इरादा किया था तो हुजूर ने फरमाया था कि वो मेरा दीवाना है, अबू बकर उस खरीदारी में मुझे भी शरीक कर लेना, कुर्बान जाऊं बिलाल तेरी किस्मत से, तेरे खरीदार कैसे कैसे हैं, तेरे खरीदार कैसे हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा, आजाद किया, और ऐसा एक नहीं बल्कि तकरीबन 6 या 7 गुलाम हैं, उसमें लोंडियां भी हैं, औरतें भी हैं सहाबिया जो सब गुलाम थे, और उनके आका इतना उनको सताते थे कि अल्लाह की पना अबू बकर सिद्दीक देख न सके, एक एक को जाके खरीदा और खरीद करके आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। और यही वो मौका था कि जिस मौके पे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद उस्मान अबू कुहाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी उम्र थी, उन्होंने कहा बेटे कमजोर औरतें इन्हें खरीद करके आजाद कर रहे हो, नौजवानों को खरीद के आजाद करो,
ताकि वो एहसान मंद रहें, और अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो अबू बकर वो तेरे काम आए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा मैं खरीदता भी अपने लिए नहीं, आजाद भी करता हूँ अपने लिए नहीं, खरीदना भी खुदा के लिए है और आजाद करना भी मेरा मेरे खुदा के लिए है। हजरत बिलाल को जब आजाद किया और हुजूर ने फरमाया मुझे शरीक करना, आजाद कर दिया, आए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह खरीद करके आया हूँ और आपके नाम पे आपके कदमों पे अब बिलाल आजाद है, अब बिलाल को कोई सता नहीं सकता। वो जो बिलाल को सताया जाता था, अल्लाह तौफीक दे तो हमारी सीरत की इब्तदाई किताबों में बातें लिखी, उठ करके पढ़ लें कि वो हजरत बिलाल को और कलमा पढ़ने वालों को कैसे सताते थे। लेकिन वो ऐसे आशिक थे कि अंगारों पर लेटते हुए भी खुदा को याद कर रहे थे और उनको जंजीरों में बांध करके घसीटा भी जाता था तब भी वो अल्लाह को याद कर रहे थे। हम हैं कि नरम बिस्तरों पे सो करके भी खुदा को भूल बैठे हैं, एसी में बैठे हैं खुदा को भूल बैठे हैं, राह में कोई तकलीफ नहीं है लेकिन खुदा को भूल बैठे हैं। इन हस्तियों का जिक्र जरूरी इसलिए है ताकि सोया हुआ जमीर बेदार हो और मुसलमान को ये एहसास हो कि इस्लाम भूलने की चीज नहीं है और आग के अंगारों पर सो करके भी अहद अहद करने की चीज है। तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने कहा था शरीक करना और तू तनहा खरीद करके ले आया। तो आपने फरमाया खरीद तो वो करे जो खुद आजाद हो, मैं भी तो आपका गुलाम हूं। अब गुलाम ने गुलाम को खरीदा तो इसमें शिरकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कहा मैं भी गुलाम हूं और ये भी गुलाम है, मैं अगर आजाद होता ये है मुसलमानी और इसका नाम है ईमान। रहें आजाद और नारे गुलामी के लगाएं, ये गुलामी कबूल नहीं है। गुलामी तो कबूल तब होगी जब आजादी को आग लगा के मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाएं, अल्लाह गुलामी अता करे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब आपने हजरत बिलाल को आजाद किया तो लोगों में चिमे गोया होने लगी कि एक काला गुलाम, उनके बदले में एक खूबसूरत गुलाम भी दिया, दिरहम और दिनार भी दिए, इतनी बड़ी रकम दे के, और हजरत अबू बकर ने बिलाल को खरीद लिया। हो सकता है कि गुजरे हुए जमाने में बिलाल का कोई एहसान अबू बकर पे था, उस एहसान का इन्होंने ये बदला दिया। अब देखिए लोग हैं, अब ये बातें इधर उधर फैली, लोगों में बातें होने लगी कि बिलाल का एहसान था और इसलिए उन्होंने हजरत बिलाल को खरीद के आजाद किया। सवाल हो रहा था अबू बकर सिद्दीक पे, मेरे आका भी इस सवाल से बेखबर नहीं थे, आपको भी इल्म था लेकिन हुजूर तो जानते थे ना जवाब रब की बारगाह से आएगा। जब ये चिमे गोया होने लगी तो रब ने जिब्रील अमीन से फरमाया सवाल यानी अहले मक्का का है, जवाब मेरी तरफ से ले जा। और जवाब ये है वसयुजन्नब हल अतका। अब जवाब बाद में है, सिद्दीक की शान पहले है। यानी रब ने फरमाया बहुत दूर रखा जाएगा उसको जो पूरे दुनिया भर के मुत्तकियों से ज्यादा मुत्तकी है। दुनिया में जितने मुत्तकी हुए उन सारे मुत्तकियों से ज्यादा अतका, ज्यादा परहेजगार उसको दूर रखा जाएगा। एक बात यहाँ रब ने एक सनद दे दी, एक शान बयान कर दी कि अबू बकर सिर्फ मुत्तकी नहीं है बल्कि अबू बकर अतका है, सारे मुत्तकियों से भी ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार अबू बकर है। पूरी दुनिया के जितने मुत्तकी हैं कर लो एक तरफ, और जब सब हो जाएं एक तरफ, हजरत आदम से लेके कयामत की सुबह तक आने वाले जितने मुत्तकी हैं, सारे मुत्तकी नबियों को छोड़ करके, अंबिया को छोड़ करके, मुरसलीन को छोड़ करके, हजरत आदम से लेके कयामत की सुबह तक जितने मुत्तकी हैं वो सारे मुत्तकी एक तरफ कर दो। रब ने फरमाया ये सब मुत्तकी हैं और हुजूर का यारे गार अतका है। और ये तो एक नहीं, हजरत अबू बकर की हर शान का हाल ये, हर शान ये तकवा ईमान के बाद है ना। और हुजूर ने फरमाया सारे ईमान वालों का ईमान तराजू के एक पलड़े में रखो और अबू बकर का ईमान एक पलड़े में रखो तो अबू बकर का ईमान इन सारे ईमान वालों के ईमान के बराबर। अब ईमान वाले कितने हैं और ईमान वाले कैसे कैसे हैं, उन सब का ईमान
जमा करके रखो एक तरफ और एक अबू बकर का, तो ये ईमान कैसा होगा? है किसी में ये बसात और ताकत कि उस ईमान को किसी को समझा सके, या है किसी के पास इतना शऊर और अकल और इतनी समझ कि वो अबू बकर सिद्दीक के उस ईमान को समझ सके? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहली सनद रब ने दी अतका, अबू बकर कौन, बाकी सब मुत्तकी और अबू बकर अतका। ये अरबी है और अरबी ग्रामर वही समझ सकता है जो अरबी ग्रामर से वास्ता रखे कि मुत्तकी और अतका में फर्क क्या है। हालांकि इनका मंबा एक ही, वो निकले एक ही लफ्ज से हैं, लेकिन मुत्तकी अलग है, अतका अलग है। अतका में ज्यादती है और ज्यादती कितनी रब जाने रसूल जाने, उस ज्यादती का अंदाजा भी कोई नहीं कर सकता। बाकी सब मुत्तकी हैं और कुरान में रब ने फरमाया दूर रखा जाएगा उसको जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी है। अब आगे सुने, अब उस सवाल का जवाब रब दे रहा है। योति मालहू यतज़क्का, लोग ये कह रहे हैं कि अबू बकर पे एहसान था इसलिए इतना माल दे के खरीदा। रब ने फरमाया एहसान वेसान कुछ नहीं था, अबू बकर ये गुलाम इसलिए खरीद करके आजाद कर रहा है ताकि अबू बकर को तज़किया नफ्स हासिल हो जाए। तज़किया यानी दिल की सफाई, अंदर की सफाई। ये अल्लाह के लिए अपना माल इसलिए खर्च कर रहे हैं, इससे कोई बदला देना मुराद नहीं, नामवरी मुराद नहीं, मशहूर होना मुराद नहीं, लोग तारीफ करें ये मकसद नहीं। मकसद सिर्फ ये है इससे तज़किया हासिल हो। तो रब ने फरमाया अबू बकर ने माल खर्च किया, रब ने हुजूर के सदके में अबू बकर के दिल को ऐसा साफ किया कि अब उस दिल में सिवाय इश्क रसूल के कोई चीज है ही नहीं। ये दूसरी शान, एक शान अज़का और दूसरी शान क्या है, योति मालहू यतज़क्का। और आगे रब ने बिल्कुल वजाहत के साथ फरमाया वमा लिअहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुज़्ज़ा। लोगों तुम ये कह रहे हो कि बिलाल का एहसान था, रब ने फरमाया वमा लिअहदिन, बिलाल तो क्या, अबू बकर पे किसी का एहसान है ही नहीं कि इसका वो बदला दे। वमा लिअहदिन इंदहू मिन नेमतिन तुज़्ज़ा इल्ला इब्तिगा वजह रब्बिल आला। अबू बकर तो ये सब इसलिए कर रहा है कि अबू बकर को रब की रिजा मिल जाए और ये सब करते हुए देख करके रब राजी हो जाए। तो रब ने आखिर में जो इनाम अता फरमाया वो ये है वलसौफा यर्दा, फरमाया आज भी सुन लो, कयामत तक सुनने वाले सुन लो, न मानने वालों भी सुन लो, गालियां देने वालों भी सुन लो कि रब खुद ये सनद दे रहा है कि अबू बकर से रब आज भी राजी है, कल भी राजी और कयामत में भी राजी है। ये अभी मैंने इस आयत का सिर्फ तर्जुमा ही किया है, जो मैंने आयत पढ़ी मैंने कहा ऐसी ऐसी आयतें जो अल्लाह ताला ने रब के महबूब के जो यार वफादार सहाबा चार यार इनकी शान में इससे भी अजीम शान कई शानों वाली आयतें अल्लाह ताला इनकी शान में नाजिल फरमा रहा है। और जब आते हैं हदीसों पे, अब मैं सिर्फ तादाद ही बता दूं, तकरीबन 316 हदीसें, 316 हदीसें ऐसी हैं कि जिन हदीसों में नाम लेकर के मेरे और आपके आका ने सैयदना सिद्दीक अकबर की शान बयान की, 316 हदीसें। बाकी आम सहाबा का जिक्र जहां आया उसमें तो सिद्दीक अकबर थे ही, नमाजियों का जिक्र है नमाजी अबू बकर है, गाजियों का जिक्र है अबू बकर भी गाजी है, तो जहां जहां इस तरह सारे सहाबा का जिक्र हुआ वहां तो जिक्र है ही, लेकिन नाम लेकर के और अलग से हुजूर ने सिद्दीक अकबर की जो शान बयान की उसकी हदीसों की तादाद भी सैकड़ों में भी है। अब चूंकि मुझे जरा हजरत उमर का भी जिक्र करना है, यानी आयत भी तो मैंने पढ़ी थी, तो अब ये इस जिक्र की तो खैर अभी इब्तदाई हुई है। जी तो चाहता है कि ये उस यारे गार का जिक्र है जो मुस्तफा का प्यारा है, हुजूर ने जो सिद्दीक अकबर की शान बयान की। अब ईमान वाला कोई उससे इनकार करेगा
یعنی میرے آقا خود اپنی زبان سے صدیق اکبر کے بارے میں جو فیصلے فرما رہے ہیں, کوئی ایمان والا انکار کرے گا؟ اور کوئی ایمان والا اس سے سننے سے کترائے گا؟ کوئی سننے کو موڈ نہیں بنائے گا؟ حضور ہیں اور ذکر صدیق اکبر ہو رہا ہے. میں صرف اشارت نے ایک دو باتیں پھر عرض کر دوں. آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک طرف ہیں مطلوب مصطفیٰ فاروق اعظم اور دوسری طرف ہیں یار غار. انسان ہیں, کوئی ایسی بات ہوئی کہ تھوڑی سی شکر رنجی ہو گئی, تھوڑی سی ناراضگی کس کے بیچ میں, یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم کے بیچ میں. جیسے ہی تھوڑی ناراضگی ہوئی تو صدیق اکبر نے پہل کر کے اب حضرت عمر سے کہا, عمر معاف کر دے. یہ ہے صدیق اکبر کا کردار. ہم سنیں تو ان کے کردار کو یاد رکھ کر کے ذرا اس پہ عمل بھی کر لیا کریں, عمل بھی کر لیا کریں. ہم حسنین کا ذکر بہت سنتے ہیں الحمدللہ, لیکن کبھی ان کے کردار پہ عمل کیا؟ حسنین کے بیچ میں تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی امام حسن امام حسین کے بیچ میں, اور ناراضگی ہو گئی تو اب امام حسین پہنچے, حضرت امام حسن پہنچے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے, بھیا اگر ناراض ہوئے ہو تو ذرا معاف کر دو. تو انہوں نے کہا, آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں, تو مجھے آنا چاہیے آپ سے معافی مانگنے, اور آپ بڑے ہو کر کے بھی میرے پاس آئے ہیں. تو امام حسین نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا, میں نے نانا جان سے یہ سنا ہے, حضور نے فرمایا کہ جو پہلے جا کر کے اپنے بھائی کو راضی کر لے اس کے لیے جنت کا مزدہ ہے. تو میں نے چاہا میں آپ سے معافی کر کے, وہ جنت تو تھی ہی ان کی لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے تھا کہ اگر مومن مومن سے ناراض ہو تو پھر پہل کرنی چاہیے, نہ یہ کہ لوگ کوشش کرتے رہے پھر بھی نہ مانے. پہل کریں گے جو پہلے جا کے معافی مانگے, حضور نے فرمایا اس کے لیے جنت ضروری ہو گئی. جنت کو تو رب نے بہت آسان کر دیا, لیکن ہم ہیں کہ جنت میں جانے سے کترا رہے ہیں. اللہ توفیق دے, اور پھر بہانہ ہی چاہیے, بہانہ چاہیے. تو حضرت عمر اور صدیق اکبر کے بیچ کا معاملہ تھا, حضرت صدیق اکبر نے کہا معاف کر دو, حضرت عمر نے معاف نہیں کیا اور آپ پہنچے سیدھے حضور کے پاس. صدیق اکبر تھوڑا سا چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا, حضور نے پوچھا, یار غار ابو بکر ہوا کیا؟ آج چہرہ ذرا اترا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ معاملہ ایسا ہوا میرے اور حضرت عمر کے بیچ میں ہوئی تھی تھوڑی سی شکر رنجی, میں نے معافی بھی مانگی انہوں نے معاف نہیں کیا. تین بار حضور نے فرمایا کہ عمر معاف کرے یا نہ کرے صدیق تجھے رب معاف کرے. تین بار آپ نے فرمایا تجھے رب معاف کرے. اب رب معاف کرے تو ظاہر بات ہے اب اس سے بڑا انعام کیا. اب یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی, اتنی دیر میں آ گئے حضرت عمر, اور یہ بھی وہ ہیں جو مطلوب مصطفیٰ ہیں, مطلوب مصطفیٰ ہیں, آ گئے. اب جب حضرت عمر آئے اور ماحول دیکھا تو دیکھا حضور اتنے ناراض ہیں کہ چارے صحابہ کرام مزاج شناس تھے. حقیقت میں حضور راضی ہوتے تو چارے سے صحابہ پتہ لگا لیتے کہ حضور راضی ہیں, اور ذرا تھوڑا سا اگر حضور ناراض ہوتے تو چارہ دیکھ کر کے صحابہ سمجھ لیتے کہ آج حضور کسی پہ ناراض ہیں. حضرت عمر نے جب چارہ دیکھا تو پھر انہیں یہ خیال ہوا کہ حضور ناراض. کہنے لگے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آپ ذرا تھوڑا سا ناراض نظر آ رہے ہیں. تو میرے آقا نے اس وقت ارشاد جو فرمایا, آپ حضرات بھی ذرا غور سے سن لیں, میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا, ان اللہ باعثنی الیکم. اب یہ حضور کے الفاظ ہیں, یہ حدیث ہے, اور میرے آقا ہیں اور صحابہ کا مجمع ہے, اور حضور شان بیان کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا بیان فرمائی حضور نے؟ فرمایا, ان اللہ باعثنی الیکم قل تم کذبت وقال ابو بکر صدقت وواصانی بنفسہ ومالہ هل تارکو لی صاحبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا, صحابیوں حضرت عمر بھی ان میں شامل ہیں, فرمایا بے شک رب نے جب مجھے آخری نبی بنا کر کے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا, اور میں نے جب مکے کی سرزمین پر اعلان نبوت کیا تو آپ نے فرمایا, عمر سن لے, سارے صحابہ سن لو, میں نے جب یہ کہا کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں, اور میں نے جب یہ اعلان کیا اور جب رب نے مجھے مبعوث کیا تو حضور نے فرمایا, کل تم سب نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور ابو بکر ہی تھا جس نے کہا
कहा कि या रसूल अल्लाह तू सच्चा है। हुजूर ने फरमाया उमर जब रब ने मुझे भेजा और मैंने जब हक का पैगाम सुनाया कुल तुम सब ने, उसमें हजरत उमर भी हैं बाकी सब भी हैं, फरमाया तुम सब ने कहा नऊज बिल्ला तू झूठा है, तुम सब ने मुझे झूठा कहा और इन झूठों के बीच में अगर कोई इस तरह महताब बन के निकला है तो वो मेरा यार गार अबू बकर है। सब ने कहा तू झूठा है और एक अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह तू सच्चा है। और इस पर हुजूर ने बस नहीं फरमाया बल्कि आगे अब सिद्दीक अकबर की शान यूं बयान कर रहे हैं, फरमाया कि वासानी बि नफ्सिही व मालिही, अबू बकर ने अपनी जान और अपना माल दे करके मेरी हमदर्दी की, यानी जहां जान की जरूरत आई तो अबू बकर ने जान हथेली पे रख के और फिर ये इजहार किया कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। और हुजूर ने दोनों का जिक्र किया, वासानी भी नफ्स ही व माली, अबू बकर ही है जिसने के अपने नफ्स और अपने माल से मेरी मदद और मेरी नुसरत और मेरी हमदर्दी की। तो आपने फरमाया मेरे ऐसे यार को तुम छोड़ दोगे, छोड़ो मत, इसको तुम भी अपने लिए महबूब बनाए रखो जैसे कि ये मेरा महबूब है। और सिर्फ इसी पे बस नहीं, एक हदीस तो और याद आ रही है और वो भी बड़ी ईमान अफरोज है, हकीकत में बहुत ईमान अफरोज है। हालांकि ये मामला हजरत उमर का था और वो मामला जो था वहां तो मामला ही अजीब है, ये मामला है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का और हजरत अकील रदी अल्लाह तआला अन्हो का। ये अकील कौन है? ये यानी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के भाई हैं, अकील बिन अबी तालिब यानी हुजूर के चचेरे भाई हैं। हजरत अली और हजरत अकील आपस में भाई हैं, अकील बिन अबी तालिब, अकील हजरत अली के भाई। सिद्दीक अकबर और हजरत अकील के बीच में भी कोई ऐसी बात हुई कि नाराजगी बढ़ गई और हजरत अकील ने कुछ ऐसे लफ्ज अपनी जबान से निकाले जो नहीं निकालने चाहिए, यानी कुछ ऐसे लफ्ज निकल गए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि अकील तूने जो लफ्ज बोले हैं ना इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, इसके जवाब के लफ्ज भी हैं, लेकिन मैं तेरे मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा क्योंकि तू मेरे महबूब का करीबी रिश्तेदार है, तू रसूल का कराबतदार है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। ये है वो कराबतदार के लिए हक अदा करना जिसका दर्श सिद्दीक अकबर दे रहे हैं। महबूब के रिश्तेदारों कराबतदारों का कितना ख्याल सिद्दीक अकबर को था। अल्लाह आज भी उन महबूब की औलाद को तौफीक दे कि वो भी अबू बकर के उस हक को जाने पहचाने और उसकी शानें बयान करें, उसकी शानें बयान करें। कहा मैंने कुछ नहीं बोला, बात हुजूर तक पहुंच गई और जब हुजूर तक बात पहुंची तो हदीस में आता है कामन नबी, सहाबा का मजमा है और मजमे में हुजूर खतीब बन के खड़े हुए और जब खुतबा देते थे तो हुजूर खड़े होके खुतबा देते थे, फिर मिंबर बना तो मिंबर पे खड़े होके, लेकिन खड़े होके खुतबा दे रहे, खुतबा देते थे रब की वहनात, रसूल की रिसालत, दीन की अजमत, इसके लिए नबी खड़े होके खुतबा दे रहे। लेकिन आज वहदानियत के लिए नहीं, रिसालत के लिए नहीं, दीन के लिए नहीं, सहाबा के बीच में रब के महबूब अगर खड़े हुए हैं तो यारे गार अबू बकर सिद्दीक के लिए खड़े हुए, हुजूर खतीब बन के खड़े हुए और फिर आपने खुतबा जो दिया रब की हमद बयान की और उसके बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया अला तदउन ली साहिबी मा शानकुम व शानहु वल्लाह मा मिनकुम मिन बाबिन इल्ला अला बाब बैत ही जुल्मतुन इल्ला बाब अबी बकर वल्लाह अमसकतुमुल अमवाल व जाद ली बि मालिही वल्लाह लकद कुलतुम कज़बत वकाल अबू बकर सद्दकत खज़लतुमूनी वासानी व तबअनी औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने हूबहू वह हदीस पढ़ दिए जो मेरे आका ने सहाबा के बीच में सैयदना सिद्दीक अकबर की शान बयान करते हुए फरमाई थी। आप खड़े हुए और खुतबा यूं दिया कि भाई तुम मेरे साहब और मेरे साथी से उलझ रहते हो, उलझे क्यों? जब कोई ऐसा मामला हो तो अबू बकर को न देखो, हुजूर ने कहा मुझे देखो,
और मुझे देख करके अबू बकर से उलझना और इनसे कुछ कहना छोड़ दो। क्यों? तो मेरे आका ने फरमाया उसका सबब यह है कि शहरे मक्का में कोई घर ऐसा नहीं था कि जिस घर के दरवाजे पे अंधेरा न हो। आपने फरमाया, याद करो वो वक्त जब शहरे मक्का में कोई घर ऐसा नहीं था, मा मिन बैतिन इल्ला अला बाब बैत ही जुल्मतुन, कोई घर ऐसा नहीं था कि उस घर के दरवाजे पे अंधेरा ना हो। ये अंधेरा, ये महसूस होने वाला अंधेरा नहीं, ये कुफर का अंधेरा, निफाक का अंधेरा, गुनाहों का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, ये सब अंधेरे हैं और इन्हीं अंधेरों ने इंसान को गुमराह कर दिया है। तो कहा, हुजूर ने फरमाया कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसके दरवाजे पे अंधेरा न हो सिवाय अबू बकर के घर के, सिवाय अबू बकर के घर के। अल्फाज सुने, मैं इस पर ज्यादा तफसील तो नहीं करूंगा और करने की यानी जरूरत भी नहीं और वक्त भी नहीं, या अल्फाज आप भी गौर कर सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कोई घर ऐसा नहीं था जिसके दरवाजे पे अंधेरा न हो, मगर इल्ला बाब अबी बकर, मगर अबू बकर का दरवाजा, फइन अला बाबिह नूर, अबू बकर के घर के दरवाजे पे नूर था। मक्कतुल मुकरमा के सारे घर दरवाजे पे जब अंधेरा था तो घरों में भी अंधेरा था, दिलों में भी अंधेरा था, तारीकियां ही तारीकियां थी, नूर था ही नहीं। और जब अबू बकर के घर के दरवाजे पे नूर था तो कसम रब की अबू बकर के घर में भी नूर था, अबू बकर के सीने में भी नूर था, वो घर गोया नूर नाला नूर था। तो क्या ये हुजूर की मरहुमा उम्मत इस बात को भूल जाएगी, उस वक्त को भूल जाएगी कि जब सारे घरों में अंधेरा था उस वक्त एक ही घर रोशन था? तो क्या उस रोशनी का सदका नहीं है फिर घरों में जो रोशनी फैली वो उसी घर से फैली है? हुजूर ने उस घर को चमकाया, फिर अबू बकर के घर ने मक्कतुल मुकरमा के कई घरों को चमका दिया। अशर मुबशरा, ये जो 10 जन्नती सहाबी हैं इनमें से तकरीबन 6 वो हैं जिन्होंने सिद्दीक अकबर की दावत पर कलमा पढ़ा, दावत पर कलमा पड़ा। तो हुजूर ने फरमाया कोई घर ऐसा नहीं कि जिस घर के दरवाजे पे जुल्मत न हो इल्ला बाब अबी बकर। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें दलील ये मिलती है कि बाकी सब अभी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए थे और उससे पहले अबू बकर ने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा, तो गया कि आपका घर भी नूर वाला, घर के दरवाजे पे नूर। या मैं एक बात अर्ज कर दूं, दिल में नूर होता है, दिल में नूर दिल में होता है। और यहाँ दिल की बात नहीं हो रही, अबू बकर के घर की बात हो रही है, कोई तो राज की बात होगी कि जिसको हुजूर ने यूं बयान फरमाया कि सब घरों के दरवाजे पे अंधेरा था, अबू बकर के घर के दरवाजे पे उजाला था, नूर था। अब ये नूर जो है, इस नूर का सदका आज भी मिल रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक मिलता रहेगा। अगर यहीं तक बात बस फरमा के हुजूर छोड़ देते इतना ही काफी था, लेकिन हुजूर ने बात को यहाँ नहीं छोड़ा, आपने फिर कसम खाई, फवल्लाहे, ये हुजूर का फरमान है, आपने फरमाया कसम रब की, कसम रब की, लकद कुल तुम, इसमें कोई शक ही नहीं कि तुम सब ने कहा कि तू झूठा है। वो पहले हुजूर ने यही फरमाया था लेकिन यहाँ अल्फाज जो है उसको ताकीदन बढ़ा दिए, वल्लाहे लकद कुल तुम कज़बता वकाल अबू बकर सदकता, अल्लाह की कसम तहकीक बेशक तुम सब ने झुठलाया, अबू बकर ने मेरा कलमा पढ़ा। एक शान तो हुजूर ने ये बयान फरमाई और फिर इरशाद फरमाया अमसक तुमुल अमवाल, और फिर तुम सब ने खजानों के दरवाजे बंद करके रखे और अबू बकर ने मेरे लिए और दीन के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए। ये मुस्तफा तारीफ फरमा रहा है कि माल तो सबने खर्च किया था लेकिन इस शान के साथ किसी के माल खर्च करने की तारीफ अगर की है तो मेरे आका ने सिद्दीक अकबर की है कि अबू बकर ने खजानों के दरवाजे खोल दिए। सिद्दीक अकबर ने
अपने माल को अपना समझा ही नहीं। और हकीकत में मेरे आका जब चाहते जितना चाहते अबू बकर के माल से ले लेते, क्योंकि अबू बकर तो कुछ रहे ही नहीं थे, वो तो फना फिर रसूल हो चुके थे, उनका कुछ था ही नहीं। और सिर्फ अबू बकर ही की बात नहीं, सिद्दीक अकबर के बेटों को देखें, बेटियों को देखें, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को देखें, हजरत अस्मा को देखें, हजरत अब्दुल्ला को देखें, हजरत कासिम को देखें, ये सारा का सारा अबू बकर सिद्दीक का घर मुस्तफा का सच्चा आशिक और दीवाना था। अगर किसी को इसको समझना हो तो हिजरत वाला वाकया पढ़ ले, उसमें ये सारी बातें आ जाएंगी जो मैं यहाँ इशारतन अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर गार में हैं और फिर घर से खाना लेकर के गार तक पहुंचने वाला कोई और नहीं था, वो सिद्दीक अकबर के शहजादे थे। बकरियां भी अबू बकर भी थी और दूध दो करके देने वाला गुलाम भी अबू बकर का था। और हिजरत के मौके पे सामान सफर जो तैयार हुआ था वो भी किसी और घर में नहीं, अबू बकर सिद्दीक के घर में तैयार हुआ था। और थैली का मुंह बांधने का वक्त जब आया तो डोरी नहीं थी, हजरत अस्मा ने अपनी कमर का पटका उतारा था, उसके दो हिस्से किए थे, एक हिस्से तो कमर से बांधा और एक हिस्से से उस सामाने सफर ज्यादा राह वाली थैली का मुंह बांधा, और जिसको अरबी में निताक बोलते हैं। और ये जब दो हिस्से हो गए तो इसको कहा गया निताकैने। और हजरत अस्मा का आज भी हदीसों में जो लकब आता है वो जुन निताकैने है, यानी कमर के दो पटके वाली। और आज भी जो खुश नसीब हज के लिए गए हैं, उम्रे के लिए गए हैं, तो शहरे मक्का में आज भी एक गली है और एक ऐसा रास्ता है कि जिसका नाम ही जुन्निताकैन के नाम पे आज भी मौजूद है। सारा घर हुजूर का दीवाना था। तो मेरे आका ने फरमाया तुमने माल रोके रखा, अबू बकर ने बेतहाशा मुझ पे माल खर्च किया। और आखिर में हुजूर ने फरमाया खजल तुमूनी, लोगो तुम मेरे यार की कदर करो, इनकी शान पहचानो। जब सारा मक्का मुझे सताने, नऊज़ बिल्ला मुझे रुसवा करने, मुझे गालियां देने, मेरी राह में कांटे बिछाने, मुझ पे पत्थर बरसाने, मुझ पे ओठड़ियां डालने के लिए सारा मक्का जब एक जगह पे था, तो उस मौके पे अगर किसी ने आगे बढ़ करके और मेरी हमदर्दी की है और मेरी इत्तबा की है तो उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक है। तो ये तो शान हो गई सिद्दीक अकबर की। और ये शान तो खैर मैंने हकीकत में इरादा तो मेरा यही था कि 10-15 मिनट में सिद्दीक अकबर की शान अर्ज करूं और फिर यही कोई आधा घंटा फारूक आजम की शान। अभी अल्लाह बेहतर जाने कि खुद मेरा अपने ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहा और मैं इन्हीं बोलता ही चला गया। क्योंकि आयत पढ़ी तो आयत का तर्जमा और तफसीर जरूरी हुआ, फिर दो हदीस पढ़ा, मैंने और ज्यादा कुछ भी नहीं किया साहब, सिर्फ एक आयत पढ़ी और दो हदीसें पढ़ी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सारी आयतें पढ़ूं और फिर सिद्दीक अकबर के वो जो नुमाया कारनामे हैं उनको अगर जिक्र करूं तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर उम्रें बसर हो जाए। ये जात है सैयदना सिद्दीक अकबर की। इस दुआ के साथ मैं आज आपसे अलविदा हो रहा हूं कि अल्लाह ताला हमें अपने तमाम महबूबों की सच्ची मोहब्बत दे और यारे गार की मोहब्बत से हम सब के दिलों को अल्लाह ताला मुनव्वर रोशन और माला माल कर दे। वो इसलिए कि जिससे अबू बकर राजी यकीनन उससे मुस्तफा राजी, जिससे अबू बकर सिद्दीक राजी उससे मुस्तफा राजी, और जिससे मुस्तफा राजी उससे भाई हम हक अदा कर सकते हैं क्या? वो तारों भरी रात थी, तारों भरी रात कब होती है? अब तो भाई आसमान देखने की भी फुर्सत नहीं है, और अगर फुर्सत है भी तो ऐसा जगमग दौर है कि आसमान तारे ये कमाहकू नजर, जो दो बस्तियों में दूर रहने वाले देहात में रहने वाले हमारे जैसे लोग जो है जो जंगलों में रहते हैं उनसे पूछो कि अंधेरी रात हो और फिर आसमान में झिलमिल चमकते हुए सितारों का
आदमी अगर कोई गौर से देखे, ईमान को जिला मिलती रहे और बेतहाशा जबान से निकलता रहे सुभान अल्लाह, वाह मेरे मौला तेरी कुदरत, क्या तेरा कारखाने कुदरत है, कैसे कैसे सितारे बनाए हैं, रंग अलग है, झिलमिल अलग है, और कोई कैसे रफ्तार भी अलग है, कोई यूं चल रहे आ रहे जा रहे, एक अजीब सा माहौल है जो आसमान में है। रब ने फरमाया फातबिरू या उलिल अबसार, ओ बसारत वाले जरा कायनात की इन रंगीनियों में तो कभी गौर कर, ईमान को ताजगी मिलेगी। फुर्सत जैसे इबादत करना, नमाज रोजा हज इबादत है, इसी तरह कायनात की इन वसातों पहनाइयों में गौर व फिक्र करना, इसको भी दर्जा इबादत का दिया गया है कि फिक्र कर मौला की इन कुदरतों और रब के इन कर्मों पर कि रब कैसा कादिर और कदीर है, उसकी खिलकत को देख, मखलूक को देख। तारों भरी रात है, आमिना का हुजरा, हजरत आयशा का हुजरा, बड़ी मशहूर हदीस है, बस इसी हदीस पे बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत उमर का भी जिक्र आएगा, सिद्दीक अकबर का भी जिक्र आएगा, जो बड़ी मशहूर आपके जहन में भी हदीस आ चुकी होगी, यानी हुजूर भी तशरीफ फरमाए और हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का पाक घर आंगन, रात झिलमिलाते चमकते सितारे, और हजरत आयशा की गोद में सर रख करके हुजूर राहत फरमा रहे हैं। हजरत आयशा ने जो आसमान देखा तो ख्याल क्या आया, ख्याल तो आज भी आते हैं, आज भी आते हैं, और कई चीजें देख करके सवालात भी उभरते हैं। सितारों को देखा तो ख्याल ये नहीं आया कि इन सितारों के बराबर भी किसके पास दिरहम होंगे, सितारों के बराबर भी किसी के पास दीनार होंगे, ये ख्याल भी तो आ सकता था, लेकिन दोस्त वहां इनकी कोई हैसियत नहीं थी। मेरे आका के वो ऐसे परवरदा और ऐसे पाकीजा नफूस थे कि उन्हें सोते जागते उठते बैठते अगर तन्हाई में महफिल में ख्याल भी आता था तो ख्याल नेकी का। हजरत आयशा ने सितारे देख के और अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत में कोई ऐसा है कि जिसकी नेकियां इन सितारों के बराबर हों, जिनकी नेक। अब हजरत आयशा का ईमान क्या था कि हुजूर सब जानते हैं, इससे दो बातें हैं ना, यानी हुजूर ये भी जानते हैं कि आसमान में सितारे कितने हैं और हुजूर अपने हर उम्मती की नेकियों को जानते हैं। ये बात गौर से सुन लें, ये जरा आप गौर से सुन लें साहब, और हकीकत है और इसी पे ईमान है, यानी हुजूर अपने हर हर उम्मती की नेकियों को जानते हैं। हम में से कोई है, अब हम भी तो नेकियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाजें न पढ़े कुछ तो पढ़ रहे, सारे रोजे न रखें कुछ तो रख रहे, पूरा सदका खैरात का हक अदा न करें कुछ तो जरूर कर रहे, नेकियां सब कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जिस ग्रेड के हो, मर्द औरतें छोटे बड़े अपने हिसाब से बेचारे नेकियां सब कर रहे हैं, और फिर उम्र भी बढ़ती जा रही है, लेकिन है कोई हम में ऐसा जो ये बता दे कि मेरी जो उम्र गुजरी इस उम्र में मैंने इतनी नेकियां की। हालांकि की हमने है, हम बता सकते हैं हमने कितनी नेकियां की, भाई चलो उम्र की नहीं हफ्ते की महीने की है याद कि हमने इस साल में इस महीने में इतनी नेकियां की, हिसाब तो रखना चाहिए ना, बाकी हर चीज का तो हमें खुद पता नहीं, उम्मती को खुद पता नहीं कि मेरी नेकियां कितनी हैं, लेकिन रहमतुल आलमीन आका को पता है कि मेरे इस उम्मती की नेकियां कितनी हैं, ये हुजूर को पता है और ये रब की अता से है। तो हजरत आयशा ने पूछा आसमान के तारों के बराबर आपकी उम्मत में से किसी की नेकियां हैं, तो मेरे आका ने फरमाया हैं, आपने ये नहीं फरमाया कि मुझे मालूम नहीं, फरमाया हैं। तो हजरत आयशा ने कहा वो किसकी है, फरमाया उमर की, वो फरमाया उमर की। तो हजरत आयशा ने हैरत से सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि वो मेरे वालिद अबू बकर का नाम लेंगे और आपने तो हजरत उमर का नाम ले लिया, हैरत में पड़ गई कि मैं तो सोच रही थी कि सबसे पहले कलमा उन्होंने पढ़ा, यार गार वो हैं, वफादार वो हैं, उनका नाम लेंगे और आपने तो नाम हजरत उमर का ले लिया। तो जब ये सवाल उन्होंने मेरे और आपके आका की बारगाह में रखा कि जब हजरत उमर की नेकियां इतनी है तो मेरे बाप अबू बकर की नेकियां, तो हुजूर ने फरमाया तेरे बाप की गार वाली एक नेकी इन नेकियों से बढ़कर है,
यानी आपने फरमाया अबू बकर की एक नेकी और हजरत उमर की सितारों के बराबर नेकियां, ये जो है उससे भी तेरे बाप की वो एक नेकी जो है उमर की इन सितारों जितनी नेकियों से भी बड़ी नेकी है। वमा अलैना इल्लल बलाग वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।